हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज मैं कहीं ट्रैवल नहीं करने वाला हूँ, आज मेरे को छुट्टी है और कल फिजिक्स है, तो उसकी तैयारी करनी है, मतलब फिजिक्स की प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। बट आई हैव अ स्टोरी टू टेल यू। कल मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मैं, मेरे दोस्त मतलब आशीष और सागर, हम लोग ऐसे ही एक काम से जा रहे थे, तो मैं और वो बाइक मतलब स्कूटी पे थे, तो हम मतलब जैसे क्रॉसिंग था, ब्रिज आता है हमारे यहाँ पे, तो क्रॉसिंग था, तो वहाँ पे एक मतलब एक इंसान जो देख नहीं सकते थे वो चाह रहे थे, तो हम पहले तो मैंने गाड़ी को पूरा मतलब ऐसा कर दिया कि पूरा रोड ब्लॉक कर दिया और उनको जाने के लिए रास्ता क्रिएट किया। फिर सागर को बोला, सागर तो उतर गया, उनको छोड़ गया, तो हम लोगों ने उनको छोड़ा वहां तक और मैं उनके पीछे ही था। फिर सागर को बोला ये तो स्ट्रेट रास्ता है, इनको जहाँ जाना रह गया वहाँ चले जाएंगे, और हम लोग भी दूसरे काम से जा रहे थे इसलिए हम लोगों ने वो सोच के फिर आगे जाने की कोशिश की। पर मैं मेरा ध्यान उन पे था कि वो क्या कर रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, तो वो आगे आगे जा रहे थे और उनको अचानक से एक पोल आया, लाइट पोल, और वो लगते लगते बच गया। तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो, बोला नहीं, अब मैं इनको उनके घर तक ही छोड़ के आऊँगा चाहे जो हो जाएगा। फिर मैं इन लोगों को बोला और उनके पास गया, बोला कहाँ जाना है आपको अंकल, बताइए आप। तो वो बोले कि नहीं नहीं आप नहीं जा रहे हो, मुझे हेल्प, मतलब उन्होंने डिनाई किया हेल्प लेने के लिए, पर मैंने हेल्प किया ही किया और उनको बोला कि मैं छोड़ता हूँ आपको, उनको बिठाया। फिर मैंने ऐसे रास्ते में उनसे बातचीत करते करते स्कूटी चला रहा था, तो उनसे पूछा आपका नाम, मेरा नाम उनको बताया मैं, एंड उनसे पूछा आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने एक जगह का नाम बताया, कुरला जगह, और मैं बोला क्यों गए थे, तो बोले कि एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करना था। मैं तो आई वाज शॉक, पेशेंट का ट्रीटमेंट जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा हो, तो मतलब आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आई वाज लाइक क्या, सो मतलब फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको दिखाई नहीं पड़ता और आप कैसे, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट में यू नीड टू सी टू ट्रीट समबडी और आपको खुद दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने बताया कि हमारी ट्रेनिंग अलग होती है, हमारे कॉलेजेस अलग हैं, हॉस्पिटल्स अलग हैं, और काफ़ी वो एक्सपीरियंस पर्सन है, और मुझे भी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, लेट्स सी कि मैं बन पाऊंगा कि नहीं, वो बड़ी अलग बात है। तो मैंने उनसे उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिया, उनको घर तक छोड़ा, एंड इवन ही रिमेंबर कि कितने स्पीड ब्रेकर के बाद उनका घर आने वाला है। ही वॉज टेलिंग मी फ्रॉम बिहाइंड कि ये ब्रेकर आने के बाद लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, देन लास्ट ब्रेकर के बाद एक बिल्डिंग आएगा, एंड कम्प्लीटली उनको पूरा रास्ता याद था। आज तक मुझे याद नहीं, लेकिन उनको याद था। आई हेल्प हिम और मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से कि मैं उनके लायक था, एंड उन्होंने मेरे को नॉलेज दिया। वो बोले कि अगर आपको घर में कोई इशू रहेगा मैं आके उसको सॉल्व भी करूँगा, मतलब कोई फिजियोथेरेपिस्ट रिलेटेड इशूज़, एंड काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुआ दोनों तीनों भाइयों को, मतलब आशीष को भी और सागर और मुझे, हम लोग हमेशा करते हैं। मैं इसलिए इस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि वो बंदा कितना टैलेंटेड है या वो किस चीज़ से जा रहा है। सो मैं ये अपने भाई को, शिवम सबको ये बताता हूँ कि हेल्प करना कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, बहुत सही चीज़ है ये। सो कीप हेल्पिंग, कीप लविंग एवरीबॉडी, मतलब स्प्रेड द लव, पॉजिटिविटी, एंड कीप स्माइलिंग, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये व्लॉग मैंने ऐसे ही बनाया बिकॉज मुझे मालूम है कहीं जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए ये स्वीट स्टोरी जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस किया अभी रिसेंटली, एक दिन पहले ही, तो मतलब आज ये बनाता हूँ और इसको अपलोड करता हूँ, क्योंकि जो भी मुझे देखता है या कभी भी देखेगा वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड पीस।